दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आज हम कैलकुलस में द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक लगभग चार पांच जो हमारे एक्सरसाइज थे लगभग ख़त्म कर दिए, आज हम पढ़ेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है किसी फंक्शन का। इससे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है। यानी कि यहाँ पे कोई फंक्शन y इज इक्वल टू, सपोज करिए यहाँ पे एफ एक्स है, y हमारा एफ एक्स होता है, ये है 4x³ + 8x² + 4। सपोज करिए ये फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि पहले आप तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स कि dy/dx। इसे जो लिखा जाता है y डैश यानी कि फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव, तो यानी कि कैसे हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो 12x², यहाँ पे हो जाएगा 16x, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 4 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। ये जो चीज़ आया dy/dx, ये चीज़ आया 12x² + 16x, ठीक है। अगर हम इस कहें कि इस फंक्शन का यानी कि फिर से डेरिवेटिव होता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब होता है कि d2y/dx², इसको लिखने का जो तरीका है d2y/dx², ये इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन जो dy/dx निकला हुआ है उसका फिर से डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, ये चीज़ मतलब हुआ कि d2y/dx² यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि जो फंक्शन यानी कि dy/dx निकला हुआ है उसका x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो 12x² यानी कि 2 आ जाएगा तो 24x, यहाँ पे हो जाएगा 16। ये जो चीज़ हुआ, इसे हम लोग कभी कभी y" से भी दिखाते हैं। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कांसेप्ट, यानी कि जो y" है वो कुछ नहीं होता है dy/dx y डैश, यानी कि जो फंक्शन एक बार डेरिवेटिव हुआ है उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, जैसे कि ये इसका मतलब है कि dy/dx आ y"', यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है फंक्शन उसका एक बार और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो फंक्शन है y" यानी कि d2y/dx² 24x + 16, ये इसका डेरिवेटिव हम करेंगे एक बार फिर से तो फंक्शन का जो है थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक है ना, ये फर्दर इसी तरह से चलता जाएगा। लेकिन आप लोग जो सिलेबस में उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज में हम आ जाते हैं 5.7। चलिए 5.7 में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 10 तक है, देखिए 1 से लेकर 10 तक हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। और अभी तक जो भी फार्मूला हम पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग 1 करते हैं, एक्सरसाइज जो है 5.7 का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए वाइज का वाइज कल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x + 2, ठीक है। इसका एक डबल डेरिवेटिव बताना है यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाए, दैट मीन्स कि dy/dx, ये क्या है x के पावर में तो 2 आगे आ जाएगा। देखिए सारे फंक्शन जो पुराने हैं उसी का x का जो डेरिवेटिव 1 होता है यानी कि 1, और जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 हो जाता है सिंपली, यानी कि ये हुआ dy/dx, यहाँ पे हो गया 2x + 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एक बार और डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि d2y/dx², ये मतलब हुआ कि जो फंक्शन हमारा dy/dx निकला है उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स कि dy/dx, ये जो चीज़ हो जाएगा यानी कि इस फंक्शन का, इसको हम स्टार देते थे, इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा तो 2 तो वैसे रहेगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि 3 का जो 0, ये जो चीज़ आ जाएगा d2y, ये d2y/dx² जो आ गया 2 आ गया,
इसको y डबल डैश भी लिखते हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 आ गया। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और ये हमारा जो है ओरिजिनल फंक्शन है। तो कैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत आसान है, वैसा कुछ नया चीज़ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है आप देखिए, इसी तरह से आप सेकेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम एक्स के पावर 20 है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे फिर दो बार डेरिवेटिव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी तरह से अब जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। बस कुछ नहीं डेरिवेटिव करना है, बस यही है कि इसमें दो बार करना है। एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों के पास कम से कम बुक तो होगी, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहली बात तो क्या करना है कि ये डी वाई वाई डी एक्स निकालिए एक बार डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो डी वाई वाई डी एक्स निकलेगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इंटू ये जो कॉस एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक ना। तो ये बहुत देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। तो अभी तक ये बात समझ में आ गई हो, तो आप जो है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले जो जितने भी फंक्शन है वो उसका आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्या नियम है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट मींस कि फर्स्ट फंक्शन यानी कि ये जो है एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 कॉस एक्स जो कहते हो। अब जो है कॉस एक्स एक्स जो कहते हो रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन एक्स। यहाँ पे फार्मूला क्या लगा है, डी वाई वाई डी एक्स जो है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये जितना भी फार्मूला आते रहेंगे हम साइड में लिखते रहेंगे ताकि जो है धीरे धीरे करके याद आ जाए। यानी कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया वाई, ये आया कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। इसे भी हमें दिमाग में रखना है कि ये चीज़ क्या है, दिस इज वाई। अब क्या करना है कि ये जो है वाई डबल डैश, यानी कि यही चीज़ है डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा एक्स इंटू साइन एक्स का, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का फिर से कॉन्सेप्ट लग गया। तो इसे हम ब्रैकेट में लगा के एक्स, ये माइनस देखिए बाहर एक्स का डेरिवेटिव वन साइन एक्स जो कहते हैं प्लस ये शायद ठीक है, इस बार एक्स जो कहते हैं और साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है कॉस एक्स हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर है इसे हम सॉल्व कर देते हैं, ये माइनस साइन एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स। इस तरह से आपका जो है ये डेरिवेटिव आया, दैट मीन्स कि डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स जो है माइनस टू साइन एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ से माइनस एक्स कॉस एक्स, देखिए यहाँ से जो एक्स कॉस एक्स है ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं जो हमारा मेन फंक्शन है एक्स कॉस एक्स ये वाई है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या रख देंगे दिस इज वाई। बहुत बार इस फॉर्म में भी आंसर देता है, ये जो चीज़ हो गया वाई हो गया, यानी कि अगर हम वाई को इधर ला दें तो ये चीज़ हो जाता है डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर इसको वाई माइनस टू साइन एक्स। आंसर में क्या है, हो सकता है कि आपको यहीं पे रोक दे, हो सकता है ये आंसर हो चाहे हो सकता है ये आंसर हो, तो आपको तीनों ही सेम चीज़ है। एक्स कॉस एक्स जो है वाई के बराबर, तो मैंने वाई रख दिया, वाई को इधर ला दिए तो एक आंसर ही हो गया। तो ये इतना मतलब किस फॉर्म में आंसर है हमें उस फॉर्म में रख देना है, अमूमन जो है ज़्यादातर यही दिया रहता है लास्ट वाला, ये दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिर इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको सेकेंड मानेंगे ई के पावर एक्स साइन फाइव एक्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आप 6 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखें
दिस इज वाई इज इक्वल टू आसान है ई के पावर एक्स साइन एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है, यानी कि अगर हम पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें डी वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई वाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, दो फंक्शन यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई के पावर एक्स रहता है साइन एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, इसको आप इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर e के पावर x इंटू साइन एक्स दिखेगा तो वो y से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा e के पावर x जो हम कहते हैं, और जो साइन x का डेरिवेटिव है आप देखिए इसका डेरिवेटिव होगा, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, साइन x cos x साइन x cos x इसका डेरिवेटिव खूब आता रहेगा। इस तरह से हम देखें कि डी वाई वाई जो है डी एक्स स्क्वायर, अब जो चीज़ है ये e के पावर x साइन x वो जो है इसको सिंपली आप क्या कर दीजिए वाई कर दीजिए, ये चीज़ हो जाएगा ई के पावर एक्स कॉस एक्स। अब जो हमें डी टू वाई वाई डी अभी सॉरी ये तो डी वाई वाई डी एक्स निकला है, अब क्या करेंगे, अब जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाई डबल डैश ये तो वाई डैश था, ये चीज़ है डी वाई वाई डी एक्स आप यानी कि जो डी वाई वाई डी एक्स निकला है उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, यानी कि तीनों चीज़ सेम है वाई डबल डैश डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, इससे ज़्यादा आता है क्वेश्चन ये डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर निकले, इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव करना है, इस समीकरण नंबर इसको दो देते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स की हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई वाई डी एक्स, और यहाँ पे फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल फिर से लग जाएगा। ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स सेकेंड फंक्शन जो कहते हैं, फिर प्लस लगा के यहाँ पे ई के पावर एक्स जो कहते हैं, जो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये जो है वाई डबल डैश यानी कि डी टू वाई वाई डी एक्स क्या आया, यहाँ पे y डैश यानी कि डी वाई डी एक्स को वाई डैश हमने लिख दिया, और ये जो चीज़ हुआ e के पावर x cos x यहाँ पे माइनस e के पावर x sin x हो जाएगा। अब देखिए y डबल डैश ये चीज़ आया y डैश, ये चीज़ क्या है, ये तो e के पावर x cos x ही आएगा, ये जो दूसरा चीज़ है e के पावर x sin x, e के पावर एक्स साइन एक्स वो फिर से हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वाई, ये बहुत बार आंसर इसी फॉर्म में दिया रहता है, फाइनली जो डेरिवेटिव आया वाई डबल डैश वाई डैश माइनस वाई प्लस e के पावर एक्स कॉस एक्स, आंसर जो किसी फॉर्म में हो सकता है दिया हो, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो वाई डबल डैश है वो इसका है, ये चीज़ आप चाहें तो इसमें y डैश यानी कि dy वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दें, ये चीज़ इतना बड़ा dy वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे इतना बड़ा रख दें, फिर y रख दें ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आप जो है सबसे सरल रूप है कि कैसे जो है किसी मैथमेटिक्स में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कैलकुलेशन को सबसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखा जाए वो बेस्ट आंसर माना जाता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सवाल नोट करने में, e के पावर एक्स साइन फाइव एक्स था, तो ठीक है तो इसका मतलब फाइव एक्स था, यहाँ पे एंगल में जो एक्स था फाइव एक्स था, तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसको समझिए कि e के पावर एक्स इंटू साइन एक्स पे, जैसे मान लीजिए ये भी अपने आप में एक सवाल ही है, जैसे इसको करेंगे वैसे साइन फाइव एक्स का हो जाएगा, ठीक ना, तो आप अपने से प्रयास कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, तो ये नहीं कि अभी मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एकदम क्लियर हो गया, अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे 8-10 क्वेश्चन अपने से करेंगे तब जाके जो है पूरा पूरा क्लियर हो पाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए एट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर एट देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो एट है यहाँ पे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स इस फंक्शन का कैसे दो बार डेरिवेटिव होगा टेन इनवर्स x, पहली बात कायदे से इसका एक बार डेरिवेटिव करिए यानी कि dy वाई dx फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव,
टेन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव याद करेंगे, मैंने फार्मूला लिखा हुआ था, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव हुआ वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पूछ नहीं रहा है डी वाई वाई डी एक्स, हमको पूछ रहा है डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है इसका जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ये समझिए कि अपने आप में एक नया फंक्शन है वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। देखिए अब यहाँ पे न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर वाला रूल लगेगा, या आप चाहें कि जो हम लोग करते आए हैं कि जो हमको पता है कि डी वाई वाई डी एक्स जो है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। इसको समझेंगे कि वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए समझिए कि एक्स है ये पूरा चीज़, दिस इज वन बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स, ठीक है, अब फिर से वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा चेन रूल, यहाँ पे वन का जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है टू एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया ये जो चीज़ आया माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। बहुत बच्चों के यहाँ पे हो सकती समस्या हुई हो कि ये जो y डैश है यानी कि डी वाई डी एक्स वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर है ये है तो ये कैसे आया, तो आप चाहें तो उसमें न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटा में हर वाला जो है नियम लगा सकते हैं, डी वाई वाई डी एक्स अपान वन प्लस यहाँ पे जो चीज़ है ये है, तो आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव यानी कि एक बार और डेरिवेटिव करना है तो न्यूमरेटर यानी कि अंश बटा में हर, जब फंक्शन न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है अंश बटा के हर के फॉर्म में होता है, तो क्या रूल है कि नीचे वाला फंक्शन यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर जो कहते हैं इसका पहले डिफ्रेंशिएशन होगा वन का, तो वन का जीरो माइनस वन जो कहते हैं रहेगा, इस बार वन प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा वन जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये चीज़ ठीक ना, बताया गया है सब नियम, इसलिए मैंने कोई भी नियम छोड़ा नहीं है क्योंकि हमको पता है कि सारे के सारे जो है जितने इसके पहले जितने भी सारे आए हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, देखिए अगर ये डेरिवेटिव आप नहीं करवाएंगे तो पूरा जो है कैलकुलस आपका जो है चौपट हो जाएगा, आपको आएगा ही नहीं, ये मैं बार बार इसलिए एक एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको अगर अच्छे से आ गया है ये हमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़ने तो इसका काम ख़त्म हो गया, आगे बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपको नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन आप लगा सकते हैं अपने से कि वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर जो है टेन भी कर सकते हैं साइन ऑफ लॉग एक्स, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर नाइन हम बता दें, लेकिन एक बार आपको उसे ट्राई करें कि दो बार फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नाइन हम एक बार कर देते हैं, जहाँ लॉग वॉग आता है बच्चे जो है हमेशा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए यहाँ पे लॉग आ गया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक ना, इतना बस याद रखिए कि लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स होता है, क्या हम बता रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है वन बाई एक्स होता है, पहले इसका एक बार डेरिवेटिव यानी कि वाई डैश, देखिए अब वाई डैश लिखते हैं अब आसान लगेगा, लॉग एक्स अगर ये चीज़ जो है पूरा एक्स होता, ये जो चीज़ है लॉग एक्स ये पूरा चीज़ एक्स होता, ठीक ना, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई एक्स, इसको हम कुछ देर के लिए अपने मन में समझेंगे कि ये पूरा चीज़ एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का मतलब क्या हुआ एक्स की जगह लॉग एक्स, अब देखिए फिर से लॉग एक्स का होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या चीज़ हो जाएगा वन बाई एक्स, चेन रूल इसलिए बताया गया है, ठीक है, तो अब जो है ऊपर वन हो गया
यहाँ पे हो गया लॉग ऑफ, ये नीचे डिनोमिनेटर में है यानी कि हर में है, तो ये लॉग एक्स इंटू एक्स, तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि अब जो है फंक्शन का हमें डबल डेरिवेटिव बताना है, यानी कि वाई, ये जो है हमारा यू वाई वी वाला रूल लगेगा, यानी कि इस बार वन वन का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर वाले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, ये नीचे वाला जो फंक्शन जो कहते हैं माइनस, इस बार इसका डेरिवेटिव होगा यानी कि डी वाई वाई डी एक्स हाफ एक्स लॉग एक्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो चीज़ है नीचे जो होता है फंक्शन उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। मैं एक बार फिर से चाहे नियम बता सकता हूँ, ठीक ना, तो जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है हर बार इसको हम याद दिला दे रहे हैं कि डी वाई वाई डी एक्स आप यू वाई भी इस तरह से फंक्शन होता है। तो क्या करते हैं कि पहले जो नीचे वाला फंक्शन है जो हम कहते हैं ऊपर वाले फंक्शन का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि डी वाई डी एक्स माइनस इस बार यू जो हम कहते हैं अब जो नीचे फंक्शन है यानी कि हर में है उसका डेरिवेटिव अपान जो नीचे वाला फंक्शन उसका स्क्वायर, यही नियम लगा है यहाँ पे। तो वाई जो डबल डैश है आप उसको पहले हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, वाई डबल डैश नेक्स्ट पेज में है कि वाई डबल डैश यानी कि फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये जो है जीरो हो जाएगा माइनस जो है दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स, यहाँ पे जो नीचे है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो नीचे तो कुछ नहीं करना है। अब जो भी चीज़ है ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है यानी कि वाई डबल डैश जीरो माइनस करेंगे ये डी वाई वाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स अपॉन जो है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला फंक्शन फिर से प्रोडक्ट रूल, ये एक्स फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इंटू जो लॉग एक्स है इसको सेकेंड मानेंगे, तो यहाँ पे जो ऊपर वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आप कर लिए तो यानी कि हमारा फंक्शन हमारा आंसर आ गया वाई डबल डैश जो है माइनस, तो बाहर रहने दीजिए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, सेकेंड फंक्शन जो कहते हैं रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई में प्लस लगा के इस बार फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं रहेगा और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई एक्स, दिस इज ये जो चीज़ है एक्स लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो ऐसे चला आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। वाई डबल डैश हो गया माइनस यहाँ पे देखिए एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे हो गया लॉग एक्स प्लस वन, दिस इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर। वाई देखिए डबल डैश आ गया माइनस, इसको पहले लिख लीजिए इसीलिए सारे नियम जो है बताए गए हैं कि यही नहीं कि बस ऐसे ही मतलब मजाक में था कि एक बार आ गया ना प्रोडक्ट रूल हम सीख लें तो वो कभी यूज नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, हर एक मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बिल्कुल चैन बना हुआ है कि एक के बाद एक की जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं यूज होता रहता है, हर एक एक्सरसाइज का अगले एक्सरसाइज में यूज होता है, तो इसलिए हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों से कहा जाता है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, बीच में छोड़ देंगे तो आप हो सकता है कोई पॉइंट जो है स्किप हो जाए और आने वाले अगले जो क्वेश्चन में हो सकता है वो यूज हो तो आपको समस्या होगी कि ये कहाँ से आ गया। तो ये नहीं कि जो भी पढ़ें क्लियर पढ़ें पूरा पढ़ें अस्पष्ट पढ़ें, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो लगभग हम पहुँच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर जो है 10 y इक्वल टू जो है ये क्वेश्चन नंबर देखिए साइन लॉग एक्स, ये तो आप कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हमें जो करना था वो फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव ही करना था। क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से है कि इस तरह से देखिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर जो 11 है 12 है 13 है क्वेश्चन इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा का मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत बार एग्जाम में आता भी है और इसे हम करके बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखें उसके पहले। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है कि वाई इजकल टू 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 0। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, यानी कि फंक्शन का हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है और ये y तो हमें दिया ही हुआ है। तो जो ऊपर फंक्शन है उसका पहले डबल डेरिवेटिव निकाल के यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसका टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो फंक्शन का पहले तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए, ऐसा तो नहीं कि डबल डेरिवेटिव आप जब तक फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकल पाएगा। यानी कि y डैश ही हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, बहुत बार हो चुका है ये लिखना, 5 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। जो भी चीज़ अगर नेगेटिव में आता है तो उसको ब्रैकेट में लिखा करें तो ज़्यादा आसान रहता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आ गया। दिस इज ए डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या चीज़ आ गया, माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 जो है ये कॉस एक्स है, ठीक है। एक बार और डेरिवेटिव यानी कि डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर हमें बताना है, इस बार इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ये जो है बहुत बहुत बच्चे जो इसी का डेरिवेटिव करते हैं ना, नहीं जो हम डी वाई वाई डी एक्स निकाले हैं उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव हमें करना है। तो माइनस जो है साइन एक्स का डेरिवेटिव जो हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन एक्स। देखिए बार बार यही सब घूम फिर के आ रहा है, जो मैंने 10 फार्मूले बताए हैं अभी तक वो जो है सबसे ज़्यादा यूज हुए हैं और वो हमेशा यूज होते रहेंगे। ये हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन एक्स, ठीक है। इसको आप जो है इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए। हमें प्रूफ करना है कि डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 0। आप क्या करेंगे कि डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि समीकरण नंबर ए से, समीकरण नंबर ए से जो है समीकरण नंबर ए से डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान समीकरण स्टार में रखने पर, चलिए रख देते हैं देखेंगे क्या होता है। डी वाई डी एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे ये जो है माइनस 5 कॉस एक्स है, जो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है माइनस 5 कॉस एक्स, अब प्लस जो है माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और ये जो है वाई की जो वैल्यू है 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स है। ये जो चीज़ है पूरा वाई है, ये पूरा वाई है और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये जो वैल्यू है, ठीक ना। इसको देखिए ये इक्वल टू हमें क्या, ये 0 आ गया क्योंकि माइनस 5 कॉस एक्स इससे कट जाएगा और 3 साइन एक्स जो प्लस माइनस इससे कट गया, यानी कि 0 आ गया, विच इज इसलिए क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, 0 आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 आया, तो राइट हैंड साइड पहले से 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन में जो है फंक्शन का जो है डेरिवेटिव ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 12, क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखें, कह रहा है कि वाई इजकल टू कॉस इनवर्स, यानी कि वाई इजकल टू जो है अगर कॉस इनवर्स है तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को केवल वाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये देखें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को केवल वाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर तो निकालना, लेकिन वाई के टर्म में निकालना है। कुछ ऐसा करना है कि अगर कॉस इनवर्स जहाँ पे दिखे उसको तुरंत वाई लिख देना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो निकालना है लेकिन वाई के पदों में, तो पहले क्या करिए कि एक बार डेरिवेटिव को निकालिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक का जो डेरिवेटिव है हमको पता है कि माइनस ये जो
फार्मूला 1 - x2 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है -1/√ जो है 1 - x2 होता है, सिंपली फंक्शन। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटा में हर वाला जो नियम लग जाएगा, यानी कि अभी तो फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव निकला, जब दूसरी बार निकालेंगे यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे इसका मतलब क्या करना है कि एक बार जो है डी वाई बाई डी एक्स ये फंक्शन जो है हमारा, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव माइनस ये चीज़ डी वाई बाई डी एक्स आप दिस फंक्शन, देखिए माइनस है उसको तो पहले निकाल दीजिए, इसको वाई डबल डैश निकलते हैं बार बार, इसको निकाल दीजिए माइनस को बाहर, यानी कि ये जो चीज़ है √1 - x2 ये चीज़ है। चलिए वाई डबल डैश करिए, माइनस तो रहने दीजिए। अब क्या करेंगे कि देखिए फिर से अंश बटा में हर वाला फंक्शन, तो अंश का जो है सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, वन है तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, सेकेंड जो यानी कि नीचे वाला जो फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन जो करती हूँ माइनस, अब देखिए इस बार वन जो करती हूँ, इस बार डेरिवेटिव होगा इसका ए 1 - x2 अपान में ये जो नीचे वाला फंक्शन है यानी कि जो हर में है एक्स स्क्वायर, उसका क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिएगा क्या यहाँ पर लग रहा है नियम, अंश का यानी कि पहले डेरिवेटिव हुआ अंश में हमारा वन है, तो वन का डेरिवेटिव जो है जीरो हो गया, इनटू सेकंड का फंक्शन जो यानी नीचे वाला फंक्शन है जीरो का मल्टीपाई रहता है, माइनस इस बार ऊपर वाला फंक्शन जीरो कहते हैं और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, बार बार देखिए अंश बटा में हर वाला नियम, ये जीरो हो जाएगा माइनस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स √1 - x2 अपान जो है यहाँ पे 1 - x2 का ही स्क्वायर, देखिए ये माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, कि वाई डबल डैश जो है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स √1 - x2 अपान ये जो नीचे है स्क्वायर होगा √1 - x2 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे जो बड़ा सवाल इस समय हुआ कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो है डी वाई वाई डी एक्स आप √x, तो याद करिए मैंने बताया हुआ है कि हमको पता है कि डी वाई वाई डी एक्स यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ कर ले रहे हैं, जो डी वाई वाई डी एक्स है √x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपली मैंने बताया है ये चीज होता है ना, तो इसको हमको ऐसे ही करना है कि इसको समझना है कि √x यानी कि x की जगह है 1 - x2, ये जो चीज पूरा है इसको हमें समझना है कि x है, दिस इज ये y डबल डैश, ये चीज हो जाएगा 1/2 √x, x की जगह हो जाएगा 1 - x2 और फिर से जो है इसका डेरिवेटिव होगा 1 - x2 का 1 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और जो नीचे है ये तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, यानी कि √, अच्छा स्क्वायर है तो √ का स्क्वायर होता है तो क्या होता है √ जो है हट जाता है, ठीक है। इसमें जो है हमें बोल रहा है कि वाई के टर्म में यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है वाई, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा डबल डेरिवेटिव तो आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी कि यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये -2x, ये हो गया 2√1 - x2 और यहाँ पे जो है 1 - x2 ये जो है ये 2 से 2 कट जाएगा यानी कि y जो है यहाँ पे आ गया -x/5, ये जो चीज है √1 - x2 - x2
यहाँ पे जो चीज देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे ले सकते हैं, माइनस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ अलग कर लीजिए, और यहाँ पे एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ अलग कर लीजिए। देखिए ये देखिए माइनस, एक्चुअली में लिखा तो ये माइनस, अगर हम कभी ऐसे लिख दें माइनस एक्स, इसका मतलब होता है कि उसमें माइनस वन, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होता है एग्जैक्ट, अगर सही से अगर देखा जाए कि जो मैथमेटिक्स होता है वो माइनस वन का मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस का नहीं मल्टीप्लाई होता है, ठीक ना, माइनस वन होता है वहाँ। लेकिन हम लोग अपने दिमाग, मैंने क्या किया कि यहाँ पे माइनस वन को अलग किया, एक्स को अलग किया माइनस वन, और ये जो पोर्शन है तो ध्यान से देखें तो जो वाई डबल डैश है इसमें वाई के टर्म में लाना है, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर वो वाई के टर्म में लाना है, यानी कि वाई के टर्म में। देखिए यहाँ से वाई इजकल टू जो कॉस इनवर्स एक्स है, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसको आप इक्वेशन नंबर यदि बी दे दें तो यहाँ पे जो चीज़ है कि जो वाई इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो एक कॉस इनवर्स एक्स इधर आएगा तो एक कॉस वाई हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कॉस वाई यानी कि ये जो है आप वाई देंगे, ये जो वाई देंगे तो ये क्या है एक्स बाई वन। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा में, आधार बटा में कोण, यानी कि इस समय इसके लिए आधार हो जाएगा कोण जो है, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की जो हमेशा साइड होती है कोण, कोण के सामने की जो साइड होता है ये होता है लंब, है ना, जो बाकी बचा जो है आधार हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लंब निकालेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा पाइथागोरस से वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज ए वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो चीज़ है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से टेन वाई निकाला जाए, टेन वाई, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई जो है ये चीज़ हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स। देखिए अगर टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स है, तो यहाँ पे एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है, देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो टेक्निक है कि अगर टेन वाई इज कल्टू लगाए तो लंब बटा में जो है आधार होता है, यानी कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स, तो अगर इसको कॉट वाई करें, हमको पता है कि टेन और कॉट, अगर टेन थीटा इज कल्टू दिश अपान दिश है तो कॉट वाई इज कल्टू क्या हो जाता है, मतलब ये पलट जाएगा एक्स ऊपर ये, तो यानी कि यहाँ से जो है एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कॉट वाई हो जाएगा। देखिए क्या होगा इसमें, हम देखिए एक सपान, इसको एक साथ कर देते हैं, एक सपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक साथ लेते हैं हम माइनस वन अपान में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ कर देते हैं। इतना चीज़ तो जो है ये हो गया कॉट वाई हो गया, ठीक ना, अब वन माइनस इस माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस को तो हटा दीजिए बाहर कर दीजिए यहाँ। अब देखिए इसी में, इसी एंगल में अगर हम साइन वाई यूज़ करें, ये वाई, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि लंब बटा में कोण, यानी कि लंब जो है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, साइन वाई इक्वल टू लंब बटा में कोण, यानी कि लंब जो है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन, ठीक ना। अगर ये साइन वाई इक्वल टू ये है इसका, अगर हम सॉरी ये जो चीज़ है तो यहाँ पे कॉसेक वाई क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, यानी कि वन अपन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा वन माइनस वन अपन में वन माइनस एक्स, ये जो चीज़ है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे हम रख देंगे तो वाई जो डबल डैश आएगा, जो वाई डबल डैश आएगा माइनस
कॉट वाई और जो है इसको कोसेक स्क्वायर वाई, तो ये जो चीज़ है हमारा ये फाइनली हमारा आंसर आया वाई डबल डैश यानी कि वाई के टर्म में आंसर आ गया। ठीक ना, तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें जो है इस क्वेश्चन को करना है शुरू से करिए कि देखिए वाई कॉस इनवर्स एक बार डेरिवेटिव किए तो इसका डेरिवेटिव जो है माइनस वन अपन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन का जितना डेरिवेटिव है उसको देख लेना है पूरा एक बार फिर से करिए अपने से, अगर नहीं समझ में आता है प्रॉब्लम होती है तो फिर बताइए। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखिए, कभी कभी जो y देखिए ये चीज़ y2 लिखा है यहाँ पे, अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर इंटू y2, y2 मतलब यहाँ पे जो y2 का मतलब फिर से वही है डबल डेरिवेटिव। कभी कभी y डैश y डबल डैश लिखता है या y2 लिखता है मतलब एक ही है, यहाँ पे y1, y1 का मतलब हुआ एक बार डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन जो है उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 13 आपको खुद से करने हैं। 13 और 14 यहाँ पे 15 तो आसान है, 16 भी उतना कठिन नहीं है, 17 भी लगभग लगभग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखिए, जो मैं आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें कि y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स है तो दर्शाइए कि दिस माइनस दिस दिस इज इक्वल टू जीरो। चलिए आइए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर जो है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है जो y इज इक्वल टू है हमारा ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर जो है यहाँ पे एन एक्स है। तो हमें दिखाना है कि जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि डी टू वाई, इसको आप इक्वेशन वन दे दीजिए क्योंकि ज़रूरी है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू ये वाई इक्वल टू ज़ीरो, हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें दिखाना है। इसमें अगर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे यहाँ रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ रखेंगे और वाई जो है ये पूरा वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो वो चीज़ ज़ीरो आना चाहिए। अगर आ गया ज़ीरो तो हमारा काम हो गया। कुल मिला के इसमें क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव, तो पहले दो बार डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। इस फंक्शन देखिए ए हमारा कॉन्स्टेंट है, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होगा, फिर एम एक्स का m कांस्टेंट है x का 1 प्लस b इंटू e के पावर जो है यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स, e के पावर एन एक्स का डेरिवेटिव e के पावर x का e के पावर x होता है, e के पावर एन एक्स का e के पावर एन एक्स होगा, फिर एन एक्स का फिर से होगा तो n हो जाएगा। चलिए भैया तो ये एक बार डेरिवेटिव आया यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पे ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर जो है एन एक्स, एक बार और डेरिवेटिव करना है यानी कि आप इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स कि जो डी टू वाई वाई, ये चीज़ कभी कभी वाई वन भी लिखा जाता है, दिस इज ए वाई टू या वाई डबल डैश, जैसे आपको सुविधा लगे है ना। तो ये नहीं कि ये चीज़ बताया नहीं गया, ये क्या चीज़ आ गया वाई टू लिख दिया गया था इसका। फिर से देखिए ए एम तो कांस्टेंट है तो वो तो वैसे ही रहेगा, ई के पावर एम एक्स का फिर से ई के पावर एम एक्स और एम एक्स का फिर से होगा तो एम हो जाएगा, यहाँ पे बी एन ई के पावर एन एक्स, ई के पावर एक्स टाइप का होगा तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, एन एक्स का यहाँ से वन हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है डी टू सॉरी यहाँ पे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, यहाँ पे बी एन स्क्वायर यहाँ पे ई के पावर एन एक्स। चलिए यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकल आया है और जो है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स भी निकल आया है। ये सब वैल्यू यानी कि डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, डी ये
ये और y की भी वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू ये। अब फाइनली हम देखेंगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं। जीरो आ गया भैया तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, क्योंकि जीरो तो लाना ही है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसके हमें इक्वेशन देना पड़ेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3, और ये जो है इसको दे देते हैं स्टार। तो क्या करेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, यानी कि हम ऐसे उल्टा रख देते हैं कि समीकरण 3, 2 एवं 1 से सब लिखना पड़ेगा d2y by dx एवं y का मान। देखिए समीकरण स्टार में रख देते हैं, समीकरण स्टार में रखने पर चलिए रखते हैं, तो देखिए क्या होता है। d2y by dx² की वैल्यू रखी है वहाँ पे, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे am² e^mx + bn² e^nx - m + n, ये तो पहले से है। जो dy/dx की वैल्यू है, यहाँ से देखिए जो dy/dx की वैल्यू है वो है am e^mx + bn e^nx, ये चीज़ हो गया। प्लस यहाँ पे है mn into y, y की वैल्यू क्या है, वो चीज़ है ae^mx + be^nx। यही चीज़ हमारा फाइनली जो है जीरो आना चाहिए। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तो जीरो का त्यों रहेगा, ये am² e^mx + bn² e^nx। देखिए बारी बारी से ब्रैकेट खुलेगा, यानी कि m का इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखिए m का इसमें होगा, फिर n का इसमें, बारी बारी से कैसे ब्रैकेट खुलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा am² e^mx, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो bm·n e^nx। अब n का होगा तो an m e^mx, फिर माइनस n का इसमें होगा तो bn² यानी कि हो जाएगा bn² e^nx। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो mn e^mx + bn e^nx। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, ध्यान दीजिएगा am² e^mx, देखिए am² e^mx इससे कटा, ठीक है, ये टर्म जो है इससे कटा, bn² e^nx, bn² यहाँ देखिए bn² e^nx प्लस है, ये माइनस से कट गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ध्यान से देखिए, ये माइनस से bmn e^nx से कटा, amn e^mx कट गया, तो फाइनली सारे के सारे जो टर्न कट गया है क्या जीरो आ गया, विच इज राइट हैंड साइड, जो है राइट हैंड साइड क्या रहना था जीरो, इसलिए चीज़ क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी तरह से इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपको लगाने, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लगभग बता दिया, तो अगर हम सारे क्वेश्चन ही बता देंगे तो आपके लिए भी कुछ तो बताना चाहिए। इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव मैंने सीखा, और लगभग कितने प्रकार के फंक्शनों का मैंने जो है डिफ्रेंसिएशन बताया, कोई भी इतना डिटेल में और इतना क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में नहीं कराएगा। तो मैंने कोशिश किया कि जितना अधिक से अधिक हो सके एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज़ बीच में करके नहीं छोड़ा है, ठीक ना, तो आप करके मैंने बताया है, तो आप कोशिश करिए कि जो है जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप, पहली बात तो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको ज़रूर करिए,
साथ में उसमें एक्सरसाइज में जो छोड़ा जा रहा है उसको भी ज़रूर करिए। ये नहीं कि उसको छोड़ दिया गया तो वो हमारे लिए है, वो आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि आप जो है खुद से प्रैक्टिस करें। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अभी सोम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन है आपको लगातार मिलता रहे। आपको हर दिन मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में आपको मैथ की क्लास जो है मिलेगी। इसलिए जो है कोई ऐसा भी नहीं कि अरे जो शुभम सर जो है अटेंडम डाल दे रहे हैं, कभी भी डाल दे रहे हैं, उस समय तो हम खाली नहीं रह रहे हैं, इस तरह की बिल्कुल भी शिकायत नहीं। तो आपको अपने टाइम का एडजस्टमेंट इस तरह से करना है कि जो सुबह 6 से 7 अपने लिए टाइम निकालना है, अपने बोर्ड के लिए, अपने अच्छे नंबर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, वो आपका 1 घंटा जो है बेहतर कर सकता है। बाकी जो है टाइम में आप काम करिए जो भी करना है। तो अब जो है इसमें और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आप खुद से कर रहे हैं। डबल डेरिवेटिव में कोई बहुत वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन फार्मूला आ रहा है, बस वही कि एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव करना है फिर 2 बार करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये क्वेश्चन भी बताया, ये आपको 13-15 तो 4-5 क्वेश्चन जो अच्छे वाले आपको खुद से करने हैं। उसके बाद जो है हम आगे जो है मीन वैल्यू थ्योरम जो मध्यमान प्रमेय है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसका स्टेटमेंट भी कभी कभी 1 नंबर में पूछता है या इससे आधारित जो है क्वेश्चन भी पूछता है कि कोई फंक्शन दे देगा बोलेगा कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम जो है वेरीफाई करिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कंटिन्यूटी जो है, सततता जो था, सांतत्य जो कंटिन्यूटी था जो एक्सरसाइज 5.1 में था। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे 5.1 और हम बताएंगे कैसे जो है फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा फंक्शन का, तो तमाम चीज़ें अब आएंगे। तो वहाँ पे आप जो है आप अभी तक आप कहीं नहीं आपने कहीं भी नहीं देखा कंटिन्यूटी का यूज किया गया, जो सांतत्य यूज किया गया। अभी तक जो सिंपली फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हमने किया तो वैसा कंटिन्यूटी कहीं बात नहीं आई। अब जो कंटिन्यूटी की बात आई है तो मैं जो है कंटिन्यूटी आपको बताऊंगा कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, बहुत सिंपल वे में, बहुत प्रैक्टिकली वे में मैं बताऊंगा कि फंक्शन का जो है कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। थैंक यू सो मच।